खबरों को विस्तार से देखने का वक्त हो गया है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में आज CWC की बैठक, सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक है। CWC की बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत बड़े नेता शिरकत करेंगे, लेकिन इससे पहले कल बड़ी बैठक हुई कांग्रेस वॉर रूम में, जहां चर्चा हुई ERCP को लेकर। ERCP को लेकर के हमने आपको जानकारी भी दी कि 16 अक्टूबर से यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में, और शुरुआत 12 जिले से की जाएगी। खासतौर पर फोकस उन जिलों पर रहेगा जहां ERCP अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती तो इन इलाकों में सबसे ज्यादा पानी की आवक होती और यहां लाभ मिलता। लेकिन अब आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक है। भाग लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं दिल्ली। संभव है कि इस दौरान दिल्ली के में नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है, चर्चा हो सकती है विधानसभा चुनाव को लेकर के। दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो या BJP, अपने अपने ओर से पुरजोर तरीके से मैदानी जंग में उतर गई है। विधानसभा चुनाव बेहद कम वक्त शेष है और ऐसे में दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। अब इसके बाद देखिए, उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे भी राजस्थान में बढ़ जाएंगे, क्योंकि अभी अगर इस वर्ष का रिकॉर्ड देखा जाए तो राहुल गांधी सिर्फ 3 बार राजस्थान आए, प्रियंका गांधी 1 बार राजस्थान आई है, तो ही खड़गे भी 1 बार राजस्थान आए हैं। और मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में CWC की अहम बैठक होने जा रही है। टिकटों को लेकर के उम्मीद की जा रही है कि यहां कुछ चर्चा हो सकती है, क्योंकि शुरुआती चर्चा टिकटों को लेकर हो चुकी है। सर्वे जो लगातार पार्टी के द्वारा किए जा रहे थे वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अंतिम दौर तक सर्वे की प्रक्रिया जारी रहेगी, तब तक वो सूची नहीं आती। और ऐसे में मंत्रणा लगातार हो रही है, कुछ नामों को लेकर के भी मंथन लगातार हो रहा है। जिताऊ कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की पहली प्राथमिकता, ये पार्टी स्पष्ट कर चुकी है। जब कई मौकों पर ऑब्जर्वर भी पहुंचते हैं राजस्थान, तो वो साफ कर चुके हैं। चाहे प्रभारी रंधावा की बात करें, जिताऊ उम्मीदवार पहली प्राथमिकता। हमने तय किया इस बार राजस्थान सरकार ने जो फैसले किए हैं, जो वादे किए थे पिछले चुनाव के अंदर, जब राहुल गांधी जी ने कैंपेन किया तो वादे किए थे हम 7 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, वो हमने 3 दिन में कर दिया था। वो दिन आज दिन लगातार 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 जो फैसले में किए हैं राजस्थान में इतिहास बन गया है। राजस्थान जो 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 फैसले हुए हैं आज अन्य राज्य सरकारें भी उस पर अध्ययन कर रही है और कई फैसले पर लागू कर रही है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि राजस्थान में जो कानून पास किए हम लोगों ने, चाहे हमने महंगाई राहत शिविर लगाए हों, चाहे शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवा में उदाहरण पेश किए हों, और 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल को लेकर बात करी, कहा 25 लाख का बीमा किसी भी राज्य में नहीं है, लेकिन लगातार अपील करते आए हैं प्रधानमंत्री मोदी से भी कि सोशल सिक्योरिटी का एक्ट बनाया जाए। और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के कार्यकाल में जो कानून लाए गए थे, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून हो या फिर मनरेगा को लेकर जिस तरह से एक्ट पारित हुआ हो, या फिर राइट टू एजुकेशन का बिल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि ये नवाचार केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। दुनिया के मुल्कों में इस तरह के कानून हैं, इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास अपनी दिनचर्या व्यतीत करने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, और उन्हें सहारा इससे मिल पाएगा, बुजुर्ग लोगों को सहारा मिल सकेगा, आश्रित किसी पे नहीं रहना पड़ेगा। अब आज बैठक होगी, उम्मीद यही है कि जातीय सर्वे को लेकर कांग्रेस मंथन करेगी,
क्योंकि ये स्पष्ट कर चुकी है कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। इसको लेकर के हालांकि किस तरह से जनगणना कराई जाएगी, क्या चरण इसके रहने वाले हैं, कब तक पूरी कर ली जाएगी और क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इन तमाम बिंदुओं पर मंथन होना बाकी है। शीर्ष नेता बैठक में पहुंचेंगे, चुनावी रणनीति बनाएंगे कांग्रेस वर्किंग कमेटी। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस के सभी दिग्गज एक मैदान में और जाति जनगणना से भविष्य में पार्टी को क्या नुकसान हो सकते हैं या फिर क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं, इसको लेकर बातचीत की जाएगी। नुकसान यहां कम है लेकिन प्रभाव क्योंकि जरूर पड़ेगा इसका चुनावों पर, ऐसे में संभावित प्रभावों पर चर्चा जरूर यहां की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बड़ा ऐलान भी पार्टी की ओर से किया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति का आज 9 अक्टूबर को बैठक में जाति आधारित जनगणना, राजस्थान चुनावों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर की भी रणनीति पर मुख्य चर्चा हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के शीर्ष नेता भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कर सकते हैं।